रेडी टू मूव। ज्यादातर लोग देख रहे हैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। रामदेव पार्क में स्थित इंद्रलोक में सिनेमैक्स से एकदम नजदीक से नजदीक आपको ये रेडी टू मूव बिल्डिंग मिलती है। मैं कहूंगा कि मेरे साथी से वो दिखा है कि गैस पाइपलाइन आ गई है, लोग इसमें रहना चालू कर दिए हैं, और मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द आप भी इस बिल्डिंग में आए और इसका विजिट करें। मैं आपको ले चलता हूं इसके लग्जरियस लॉबी की तरफ। आइए दोस्तों। ये इसकी लग्जरियस लॉबी, जैसे कि आपने देखा हुआ है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एनजी का प्रोजेक्ट है। एनजी एक ऐसा बिल्डर है पूरे मीरा रोड में जो पूरी बिल्डिंग रेडी करके आपको देता है। नॉर्मली लोगों का देखा गया है कि शादी हो गया, नए सपने हो गए, घर के सपने हो गए, ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए हमारा जो एनजी का ये प्रोजेक्ट है वो सबसे बेहतर है। आप अगर रेडी टू मूव बिल्डिंग देख रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट में आपको आना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपने लॉबी के बाद 1BHK और 2BHK के फ्लैट में। इसमें दो ही कॉन्फ़िगरेशन है, 1BHK और 2BHK का फ्लैट। तो जैसे मैं बता दूं आपको कि 1BHK का ये जो फ्लैट है और इसकी जो लॉबी है ज्यादातर लोगों को पसंद आती है और आपके बजट में आती है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लॉबी दिखाई, अब मैं ये रेडी टू मूव बिल्डिंग का आपको 2BHK का फ्लैट दिखाता हूं। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपने 2BHK के फ्लैट में। जैसा कि हर समय आपने देखा होगा कि अच्छे से अच्छे फ्लैट और आपके बजट में फ्लैट मैं आपके लिए लेके आता हूँ, ताकि आपके बजट में भी हो और आपके लिए अच्छा भी हो। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में अगर आप घर लेते हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें POP, इसमें मॉडलर किचन, इसमें गीजर, नल की फिटिंग, नीचे की टाइल्स, एवरीथिंग। तो क्यों कर रहे हैं हम इंतज़ार, आइए हम चलते हैं अपने 2BHK के फ्लैट में। 2BHK के फ्लैट में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हॉल का एरिया है। हॉल में आप देख रहे हैं कि ऊपर सीलिंग जो लगाई गई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाई गई है, ताकि आपको जब भी आप घर खरीदें तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ना हो। तो ये बेहतरीन हॉल के साथ में अगर मैं इसकी यूजेबल कारपेट एरिया की बात करूं तो 680 का ये कारपेट है। यहां से अगर आप देखेंगे तो जितनी ऊंचाई पर अगर आप फ्लैट लेंगे उतनी ऊंचाई पर आप फ्लैट ले सकते हैं। बालकनी भी थोड़ी सी मिलती है इसमें, ज़्यादा बालकनी है नहीं, 1 फुट की बालकनी है, लेकिन जैसे भी है अच्छी है। दोस्तों मैं अपने साथी से कहूंगा कि एक बार ये जो एरिया है वो दिखाए। ये जो एरिया है स्पेशल एरिया है, किचन से लगा हुआ एरिया, जिसमें कि आप अपना एक डाइनिंग टेबल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें एक फैन, आप देख रहे हैं कि जो डाइनिंग टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो भी बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। इसकी खासियत ये है कि आप देखेंगे कि ठीक गर्मा गर्म रोटी आप पकाइए और अपने चाहने वाले अपने फैमिली को आप गरम गरम परोस सकते हैं। तो इसकी मैं अगर किचन की बात करूं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको ये जो किचन है, किचन एरिया, ये सारी चीज, सारा प्लेटफॉर्म आपको करके मिलता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसकी जो बालकनी है वो 2 से 2.5 फीट की बालकनी है, उससे लगी हुई है। सो मॉडुलर किचन भी करके आपको मिलता है। और इसकी मैं थोड़ी सी क्वालिटी अगर आपको बता दूं तो इसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है, दोनों प्लेटफॉर्म आपको करके मिलता है। तो दोस्तों ये रहा आपका किचन का एरिया। अब मैं ले चलता हूं कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम का जो एरिया है अगर आप देखेंगे तो इसमें गीजर और सारी फिटिंग्स करके मिलती है। और नॉर्मली देखा गया है कि ये वॉशरूम किचन के सामने होता है, लेकिन ये वॉशरूम एकदम साइड में है। अब मैं बात करूंगा मेरे पैसेज की। पैसेज थोड़ा सा सकरा हुआ है, लेकिन फिर भी काफी बेहतरीन है। आइए मैं ले चलता हूं अपने कॉमन
बेडरूम की तरफ। कॉमन बेडरूम जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और ना तो काफ़ी छोटा है और ना ही ये ज़्यादा बड़ा है। अगर इसकी बात करूँ तो इसकी बालकनी, किचन की बालकनी दोनों ही जुड़ी हुई है। अगर आप इसमें एक फैमिली या कहते हैं ना कि एक परिवार के साथ आप रहना चाहें तो काफ़ी बेहतरीन घर है। आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम जो है वो ये राइट में घुसते ही आपको एक वॉशरूम है, मास्टर वॉशरूम, और उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो बेडरूम है मास्टर बेडरूम काफ़ी बड़ा बेडरूम है। जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको व्यूज़ मिलेंगे। इसमें गार्डन, और ये जैसे कि मैं आपको बता दूं ये वार्डरोब है, वार्डरोब की जगह आपको कम से कम 3 फीट का वार्डरोब यहाँ पर मिलता है। आप यहाँ से वार्डरोब करने के बाद आप अपना बेड सजा कर, सिंगारदार ही सजा कर, एक अच्छे तरीके से आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो दोस्तों रामदेव पार्क में स्थित ये 2 BHK का फ्लैट, जैसे ही मेरी वीडियो आपको मिले जल्द से जल्द मुझे कॉल करें और ये आपके बजट में है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका है इंतज़ार। तो छोटी सी झलकियों के साथ मैं छोड़े चलता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।